नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 26 अगस्त और शुक्रवार का दिन है। हम सुबह सुबह राशिफल लेकर के आपके लिए हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आपने आज के दिन सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल करना है, बहुत अच्छे से करना है, लेकिन अपने प्रिकॉशंस भी साथ में लेते हुए ही सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि बीमारियां जो है अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल आपने बेझिझक नहीं बाहर निकलना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सावधानी से ही अपने हर विधि विधान, अपने उपाय, अपनी रेमेडीज़ प्लस अपने इंजॉयमेंट करनी है। बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, डेफिनेटली आपने लेना है, लेकिन साथ के साथ एक छोटा सा उपाय आपने ज़रूर करना है, ताकि आपका साल भर खुशियां हमेशा आपके इर्द गिर्द रहें। उपाय क्या करना है, छोटा सा उपाय है, बट कीजिएगा ज़रूर। आप एक सुपारी मंगवा लीजिए। सुपारी लेकर के आपने उसके ऊपर सिंदूर से तिलक लगाना है। किसी भी समय कर सकते हैं, पूरे दिन में किसी भी समय। एक्सेप्शनल हम आपको इसीलिए ये उपाय देते हैं कि आप पूरा दिन इसका यूटिलाइज कर सकें, प्रयोग कर सकें और आप लाभ ले सकें इससे। एक सुपारी लीजिए, उस पर थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगा लीजिए और उसके बाद इस सुपारी को अपने राइट हैंड में रख करके, मुट्ठी बांध करके आपने गणपति का ध्यान करना है और उसके बाद माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करना। प्रथम पूजनीय है, डेफिनेटली हमें गणपति का ध्यान सबसे पहले करना है और उसके बाद माँ लक्ष्मी का भी ध्यान करना है। और उसके बाद आपने इस सुपारी को अपनी अलमारी में कहीं भी, जहां आप मनी रखते हैं, धन रखते हैं, वहां रख दीजिए। अब छोटे बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो ऐसे तिजोरी है ही नहीं, हम कहाँ रखेंगे भाई, पॉकेट मनी तो मिल रही है ना आपको, कोई तो पर्स लगा रखा होगा। जब आप घूमने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, तो वो पर्स में से मनी निकाल के लेके जाते हैं ना, तो उसी में डाल दीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी आप क्या वो पर्स भरने लग जाएगा। देखिएगा, गुल्लक है तो गुल्लक में डाल दीजिएगा, लॉक वाली गुल्लक है, आप ये नहीं गुल्लक तोड़ दीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा। अगर आपकी लॉक वाली गुल्लक है तो उसके अंदर डाल दीजिए, वरना आप अपने कपड़ों में या फिर कपड़े भी जिसमें गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स ना हो, उनमें रख सकते हैं, या फिर अपनी जहाँ बुक्स रखते हैं उस रैक में रख सकते हैं, आपके पास भी मनी का सोर्स बन जाएगा। लेकिन आपने आज के दिन जिनका भी बर्थडे है, मिठाई ज़रूर बांटिएगा, छोटे छोटे बच्चों में जाकर के, बड़ों में, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें जाकर के मिठाई का वितरण ज़रूर कीजिएगा। सो मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रांजिट यानी गोचर की बात कर लेते हैं कि आज ग्रहों का कैसा हिसाब किताब रहने वाला है, लेकिन उसके बाद लकी अक्षर भी है, साथ के साथ राशिफल भी है। एक लकी विजेता लकी कुंडली जिसकी ज़रूर देखते हैं हम लोग, वो कुंडली लकी विजेता भी आज के दिन होगा। ट्रांजिट की बात कर लेते हैं। सूर्य सिंह राशि में 9 डिग्री के हैं, चंद्रमा कर्क राशि में 27 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं, मंगल 9 डिग्री के हैं लेकिन वृष राशि में हैं, बुध कन्या राशि में हैं, 6 डिग्री के हैं और ये उनकी उच्च की राशि है, गुरु 13 डिग्री के हैं, रेट्रो हैं, स्वराशि में हैं, मीन राशि में हैं, शुक्र जो रहेंगे वो 24 डिग्री के हैं, कर्क राशि में लेकिन चंद्रमा के साथ, और शनि मकर राशि में है, रेट्रो है, 27 डिग्री के रहेंगे। राहु मेष राशि में 22 डिग्री के, जो हमेशा वक्रीय चाल में चलते हैं। केतु तुला राशि में है, 22 डिग्री के हैं, ये भी हमेशा वक्रीय चाल में चलते हैं। अब कल का लकी अक्षर भी होगा, लेकिन सबसे पहले होगा आपका राशिफल। मेष राशि यानी एरीज की बात कर लेते हैं। हर काम में सफलता के योग हैं, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा आपका, आपको नहीं घबराने की जरूरत है, लेकिन फिर भी थोड़े से खाने पीने को लेकर के आप चौकन्ने हमेशा रहेगा। धन आने वाला है आज के दिन कहीं से, हो सकता आपका रुका हुआ धन हो सकता कोई आपको हेल्प मिल रही हो सकता कोई आपको रिवॉर्ड मिल रहा हो, तो आज के दिन अचानक धन आ सकता है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा एक, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं। टॉरस की बात कर लेते हैं यानी वृष राशि की बात कर लेते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। अचानक हुए बदलाव में कुछ चेंजेस हुई हैं अगर, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा, अपनों की खुशी के साथ खुश रहने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं।
मिथुन यानी जेमिनाई की बात कर लेते हैं। भाग्य निखरने वाला है, यानी कोई आज के दिन अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। माता पिता का सहयोग ज़रूर आपको मिलेगा। थोड़ा सा दोस्ती में अगर आप मिलने जा रहे हैं तो कहीं झूठ का सहारा मत लीजिएगा, दोस्त पकड़ लेंगे आज आपको, तो यानी ये जो झूठ है ये उजागर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा फेयर रहिए, फेयर इनफ ज़्यादा बेटर रहता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन। ब्राउन रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि यानी कैंसेरियन की बात कर लेते हैं। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी आपकी, मित्रों के साथ हर बात साझा ना करें, रुके हुए धन की प्राप्ति के योग है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। सिंह यानी लियो की बात कर लेते हैं। विवादों में खुद को ना उलझाएं, यानी जितनी दूरी बनाएंगे विवादों से उतना ही बेटर है। इज्जत मान चाहिए तो थोड़ा सा दूसरों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके बेटर रहेंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं। दूसरों के मसलों में टांग अड़ाने से ज़रा दूरी बनाइए, बचिए। संतान सुख की प्राप्ति के पूरे पूरे योग हैं। माता जी को आज के दिन उपहार ज़रूर दीजिए। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आ गई बारी लकी विजेता लकी कुंडली की। चलिए देखते हैं आज के दिन किसकी कुंडली देखी जा रही है, कौन है हमारे लकी विजेता जो आज लकी साबित हुए हैं। मेधा है, मेधा जी जुड़ी हैं, मेधा ज्वेलरी क्रिएशन इस नाम से मेल आई है, और जिनकी कुंडली है वो है पूजा प्रसाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप लकी विजेता हैं आज की कुंडली के। इनकी जो डिटेल है, इन्होंने डिटेल मुझे दी है, 24 अगस्त 1981 0655 AM बलिया बिहार का इनका जन्म है। प्रश्न किया है इन्होंने, आपकी नाम राशि भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी नाम राशि क्या बनती है, आपकी नाम राशि सिंह राशि बनती है। मैं विडो हूँ और 2 यंग सन्स हैं मेरे पास, बच्चे हैं, बेटे हैं। जॉब का बताएं और फ्यूचर बताएं। बिल्कुल आपकी एज भी काफ़ी है, चलिए फिर भी हम थोड़ा सा, कई बार हालात इंसान के ऐसे हो जाते हैं कि हम मजबूरी में काम करते हैं, बट हमेशा देखा जाए तो काम करना चाहिए, इसे मजबूरी ना बना करके इसकी चाह बना लीजिए। क्योंकि जब आप मन लगा करके काम करेंगे उसी काम से आपको प्यार होने लगता है और वो हमारा अर्निंग सोर्स, हैप्पी अर्निंग सोर्स होना शुरू हो जाता है। सिंह लग्न की आपकी कुंडली बनती है। सूर्य और बुध का, बुध आदित्य राज योग कुंडली में है, लेकिन थोड़ा सा प्लेनेट की डिग्री का कहीं ना कहीं हल्का सा कंसर्न है, वो भी मरकरी में, बट एनीवे नीच का शुक्र है। नीच का शुक्र हमें ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं देता है, कहीं ना कहीं हमें उलझा करके रखता है, परेशान करता है। शनि की महादशा चल रही है, शनि में शनि का ही अंतर चल रहा है। आपके लिए जॉब में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि अगर लग भी जाती है तो ऐसे लोगों की फ्लक्चुएट रहती है जॉब, तो इन्हें दिक्कत आती है। इन्हें एक, क्योंकि नीच का मंगल जो है वो आपके जॉब के भाव को देख रहा है, तो जो एस्पेक्ट है राहु के साथ बैठ करके, तो ये एक तरह का अंगारक योग होता है, ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो हर शनिवार को आप कबूतरों को बाजरा डालना शुरू कीजिए, और मंगलवार के दिन आप एक मूंगा रत्न जो कि 8.25 रत्ती का कॉपर में डाल करके डाल लीजिए, धारण कर लीजिए, और शनिवार को पीपल के नीचे दिया जलाना सरसों के तेल का शुरू कर दीजिए। आपकी नौकरी की संभावनाएं भी बनेंगी और आपका मन भी शांत रहेगा, आप हैप्पी भी रहेंगी और आपकी ज़िंदगी की रुकावटें भी दूर होंगी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि और भी कोई लकी विजेता बन सके और जो हमारे इस शो के साथ जुड़ करके अपनी कुंडली भी डाल सके। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आप सब लोग जितनों ने भी कुंडलियाँ डाली हैं वो प्लीज़ एटलीस्ट आपको 1 वीक का आप जो वेट ज़रूर किया करें, क्योंकि जो टर्न आ रही होती है वो एक एक कुंडली की आती है, तो आपकी टर्न भी बहुत जल्दी आ जाएगी। सो डोंट टेक एनी टेंशन, डेफिनेटली आपकी टर्न आएगी।
अगली राशि की तरफ बढ़ लेते हैं, यानी तुला लिब्रा की बात करते हैं। स्थान परिवर्तन के पूरे योग है, नई गाड़ी खरीदने का भी पूरा साधन बन सकता है, धार्मिक यात्रा आप चाहें तो इस समय कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें तो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी, जामुनी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो इस दिन कर सकते हैं। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। क्रोध आप ही के नुकसान कर रहा है, लेकिन क्रोध से थोड़ा सा आपको बचने का भी प्रयास करना है, क्योंकि क्रोध आपकी परेशानी का कारण बनता जा रहा है आपके लिए। तो गुस्सा नाक के ऊपर होता ना, ये अच्छा नहीं होता, तो ज़रा बच करके रहें क्रोध से। जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बना करके रखिए। माता जी के स्वास्थ्य का खास करके आज के दिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी, गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात कर लेते हैं। नौकरी में बदलाव की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। वीज़ा आवेदन अगर आप भरना चाहते हैं, कहीं बाहर का प्लानिंग है, तो वीज़ा के पेपर्स आज के दिन आप लगा सकते हैं। लक आपका साथ देगी और रुके हुए काम आज के दिन आपके पूरे हो सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी, आसमानी रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। काम में आ रही अड़चनें आपकी दूर होंगी, हर कार्य अच्छा सफल भी होगा, और नया कार्य करने जा रहे हैं तो मुहूर्त देख करके उसका शुभ आरंभ कर सकते हैं। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, लाल रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। मन के अंदर एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बना करके रखें, जल्दबाजी से बचेंगे तो नुकसान से भी बच जाएंगे। काम में मन लगाइए, आपकी हमेशा शिकायत होती है रिजल्ट अच्छा नहीं आता काम का, तो मन थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, एकत्र करना पड़ेगा और अपने खुद को पुश कर करके अपने किसी भी अच्छे काम को करने की कोशिश करनी है। शुभ अंक की बात को आपने करें वो रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला, पीले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। मीन यानी पाइसियन की बात कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलने वाली है। शत्रु अपनी वजह से खुद ही परेशान रहेंगे, तो उनकी तरफ ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने मन को कहीं एक अच्छे एक प्लानिंग के लिए लगाएं, कोई काम जो आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग आज के दिन कर सकते हैं। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला, काले रंग का इस्तेमाल आप चाहें तो कर सकते हैं। अब अक्षर, लकी अक्षर एक दिन पहले बताते हैं हम लोग, ताकि आप बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। कल है 27 तारीख यानी 27 अगस्त और शनिवार का दिन है। लकी अक्षर है आपका प, पंजाब वाला प। पीपल के पत्ते पर काजल से आपने या काली इंक से आपने पीपल के पत्ते पर ये अक्षर लिखना है और इसे अपने साथ ले जाना है, दिन भर साथ रखिएगा, और अगली सुबह आपने फिर पीपल के पेड़ की जड़ के पास छोड़ाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप पीपल का पत्ता लें तो जब भी आप उस पत्ते को तोड़ें तो आज्ञा लेकर के तोड़ें। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आपसे आज्ञा लेकर के इस पीपल के पत्ते को तोड़ रही हूँ, शनिदेव तोड़ रहा हूँ, मतलब आप जो भी अपनी मन की इच्छा है उसे बोलते हुए आप इस पीपल के पत्ते को तोड़िएगा और अगली सुबह उसे वहीं आकर के रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपके सारे काम बनेंगे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल सुबह 6 बजे फिर से राशिफल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।